मुझे कहीं अर्जेंट जाना है और गाड़ी लिया, टैक्सी रोका और वो बोला नहीं नहीं जाएंगे वहाँ पे, तो उस पर गुस्सा आता है। तब गुस्सा आता है जब लड़कियों पे अत्याचार होते हैं। पहले अपना इंडिया की जो भी कल्चर है इसके ऊपर गुस्सा आता है, क्यों हम बड़ा बनने के चक्कर में आहिस्ते आहिस्ते छोटे बनते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया को अभी अमेरिका बना रहे हैं, लंदन बना रहे हैं, अपने इधर का सभ्यता ही टूट गया है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हर जगह कहीं भी किसी काम के लिए भी जाओ तो पहले पैसा मांगा जाता है, उसके बाद ही कोई भी काम होता है, नहीं तो जनरल आदमी को बहुत परेशान किया जाता है। स्कूल्स जो एडमिशन के लिए भी जाते हैं वहाँ पे भी हमें डोनेशन पे करना पड़ता है। हाँ पापा, हम लोगों को लिस्ट लग गई है, डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, वो लोग हमें डोनेशन के लिए अप्रोच करते हैं। रेप होना बहुत बुरी बात है, तो बहुत दिल से गुस्सा आता है उसके। कोई फेक टॉक बोलता है या कोई गलत चीज़ बोलता है या चीज़ अगर ऐसी चीज़ बोलता है जो कर ना पाए तो मुझे गुस्सा आता है। गाड़ी चलती है, धूल बहुत उड़ता है, गंदगी बहुत रहता है, तो ऊपर आता है तो गुस्सा आता ही है। ट्रेन पकड़ के आता है, बैठ जाता है, उठता नहीं है, जगह नहीं देता है। अभी ट्रेन लेट चल रहा है, लोकल ट्रेन, बारिश की वजह से। इसलिए मेरी बहन है तो बहन पे गुस्सा आता है। रस्ते क्लीन केले पाहिजेत, खड्डे बुजवले पाहिजेत, बाकी काय नाही। कभी टैक्सी वाला है, जगह नहीं है, फिर भी घसीट के लेके जा रहा है तो गुस्सा आता है, ऐसा लगता है मारो करके लाफा। अभी तो समझ में नहीं आता है, खड्डा रास्ते में, रास्ते में खड्डे, जब कोई सुनता नहीं है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक पे गुस्सा मोटरसाइकिल वालों पे आता है, इतना हम लोग टैक्सी वाले इतना संभालना पड़ता है, जरा सा कुछ होगा तो झगड़ा होता है। रॉन्ग ड्राइविंग करेंगे, रैश ड्राइविंग करेंगे और ऊपर से साइड नहीं देते, और इतना गुस्सा और खुंदक आती है ना कि दिल करता जाके शीशा ही फोड़ दूंगा और दो बाहर निकाल के दो रैपटे मारूं।